हेलो गाइस, वेलकम टू एमटी राइडर प्रशून यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स आ चुका है अनबॉक्स होने के लिए। और दोस्तों इस बॉक्स में हमारे यामा एमटी 15 के लिए एक एसेसरीज़ है, और जो एसेसरीज़ है ये बहुत ही यूज़फुल है यामा एमटी 15 के लिए। अगर दोस्तों आपके पास यामा एमटी 15 है या आप लेना चाहते हैं आगे चल के, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, पूरा देखिएगा। और क्या है इस बॉक्स में ये भी आप सभी को आगे पता चल जाएगा, और क्या प्राइस है ये भी आगे पता चलेगा। दोस्तों इसको मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है जेबी रेसिंग। जैसा कि जेबी रेसिंग जो है ज़्यादातर एमटी 15 के प्रोडक्ट बनाता है और अमेज़ॉन के थ्रू उसको सेल करता है, उसी के भी रेसिंग है। और शायद हमें यहाँ पे आपको अमेज़ॉन की स्टिकरिंग प्राइस वगैरह सब मिल जाएगा। तो इस बॉक्स में है क्या ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। इस बॉक्स में दोस्तों हमारा यामा एमटी 15 के लिए क्रैश गार्ड आप सभी को देखने को मिल जाएगा, जो इंजन गार्ड भी बोल सकते हैं। साथ में उसमें फ्रेम स्लाइडर भी लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है मेरे हिसाब से एमटी 15 में। और आज इस वीडियो में सिर्फ मैं अनबॉक्सिंग करके आप सभी को दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन का जो वीडियो होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप सभी को अनबॉक्सिंग मिलेगी, क्या क्या बॉक्स के अंदर कॉन्टेंट आते हैं, क्या क्या इसमें नट बोल्ट वगैरह जो जो होता है, क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे कि मैं वीडियो इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग का साथ साथ करता हूँ, तो लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बॉक्स में क्या था, लगा क्या क्या, और यही सब। इसीलिए मैं अनबॉक्सिंग अलग करता हूं और इंस्टॉलेशन जो है उसका मैं अलग करता हूं। तो जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि इस बॉक्स में है क्या क्या। पास आ जाइए ज़रा। तो इसको मैंने हालांकि खोल दिया था एक बार इस तरीके से, बट जो इसके अंदर की पॉलीथीन है उसको मैंने नहीं खोला। दोस्तों वेट काफ़ी है, अगर इसके वेट की बात करूँ मैं तो 3 kg और 300 grams के अप्रॉक्स है ये, विद ये जो पॉलीथीन है उसके साथ में। इस बॉक्स को मैं छोड़ के इसका वेट बता रहा हूँ, 3 kg 300 grams के करीब होगा ये, और काफ़ी सॉलिड मटेरियल लग रहा है 3 kg उठाने में, तो मतलब पुशअप हो जाएगा आप सभी का। दोस्तों दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, अच्छी तो है चीज़ें ये सारी की सारी, जैसे कि ये हुआ आपका, यहाँ पे हम सैडल स्टे की बात कर लें, या लेडीज़ फुट रेस्ट की बात कर लें, या हम यहाँ पे जो बैक रेक लगी हुई इसकी बात कर लें। जितना ही आप अपनी बाइक पे वेट बढ़ाते रहेंगे उतना बाइक जो है उसका, यानी जो क्या बोलते हैं, माइलेज होता है वो भी ड्रॉप होता है। साथ में दोस्तों जो कॉन्फिडेंस आपका रहता है बिल्कुल प्लेन बाइक में, हल्की बाइक में, वो भी हल्का हल्का कम हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें होने वाला है। तो अनबॉक्स, यहाँ पर हल्का सा पॉलीथीन खाली चिपका हुआ था, वो छूट गया इजिली, और कोई ज़्यादा खास नहीं था। 3 kg बट वेट मतलब भर होता है। सो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से बबल रैप के अंदर ये प्रोडक्ट हमारा आया हुआ है, और निकाल लेते हैं इसको। देखिए बबल रैप के अंदर कुछ नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हमारे 2 frame slider हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो हैं लेग गार्ड्स दिए हुए, इंजन गार्ड जिसे बोलते हैं, और इसकी पॉलीथीन अच्छे से पैक होके आई है, पॉलीथीन हमको छुटानी ही पड़ेगी। तो कुछ इस जगह से है, कुछ काटने वाला ले लेते हैं ब्लेड टाइप का, जैसे कि मैं इसको काट देता हूँ और ये इजीली खुल जाता है हमारा। तो इस तरीके से इसको हम कट करते हैं पॉलीथीन को, ये कट हो गई, और हल्का सा ये नीचे भी है तो इसको भी कट कर देते हैं, और इस साइड में भी हमारा पॉलीथीन से ये जो है अटैच है, तो इसको भी यहाँ पे को कट कर देते हैं। ये देखिए अब दोनों साइड के जो हमारे इंजन गार्ड थे वो अलग हो चुके हैं, क्रैश गार्ड। अब इसकी जो रैप है इसको मैं हटाना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से इसकी रैप को हम हटा देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से रैप होके आया है इसमें, ताकि कहीं पे हमारा स्क्रैच वगैरह ना लगे इसमें। गर्मी बहुत भयंकर है दोस्तों इतने टाइम। ये देखिए इसको हमने हटा दिया, और ये प्रोडक्ट हमारा कुछ निकल के आया है सामने। यहाँ पे हमारा फ्रेम स्लाइडर भी लगा हुआ है इसी में, तो इसको भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको अलग से ख़रीद के अपने बाइक में लगाते हैं तो लगभग ये 1000 या 1200 के अप्रॉक्स इसका पेयर आता है, जो कि दो के दोनों हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरी अच्छी बात इसमें मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को, कि अगर आप ये वाले फ्रेम स्लाइडर जो हैं यहाँ पे कहीं पे अटैच करेंगे
और जब भी आपकी बाइक क्रैश होगी तो सीधे यहीं पे आपके इंजन के पास इंपैक्ट पड़ेगा। बट इसमें क्या है, तीन जगह से सपोर्ट आपको मिलता है, और अगर कभी भी बाइक आपकी क्रैश होगी तो इंपैक्ट जो है आपका यहीं पे पड़ेगा। पाइप वगैरह अगर कोई बैंड होगा तो यहाँ पे बैंड होगा, यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपकी जो बाइक का इंजन वगैरह है तो उसमें कोई भी असर नहीं आएगा। तो अभी क्या है, इसका दूसरा वाला भी मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे हल्का सा रस्ट लगा हुआ है, मैं जब इसको लगाऊंगा तो पेंट मार दूंगा इस पर ताकि इस पर रस्ट ना लगे। ये तो दोस्तों ये देख लीजिए, दूसरा वाला भी हमारा जो है वो अनबॉक्स हो चुका है। और ये देख लीजिए, पूरा कुछ इस तरीके से हमारा ये सेट आता है। साथ में दोस्तों इसको लगाने के लिए अब क्या क्या मिलता है वो भी मैं आप सभी को दिखा देना चाहूँगा कि हमारे लगाने के लिए कौन कौन से स्क्रूज़ इसमें दिए हुए हैं कंपनी ने, जिसकी मदद से जो है हम इसको लगा सकते हैं इजीली। तो दोस्तों एक तो हमारा ये नट दिया हुआ है, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगेगा, पूरा इधर से उधर तक निकलेगा या कहीं दूसरी जगह भी लग सकता है। ये तो मैं जब इंस्टॉलेशन करूँगा इसका तो मैं बताऊंगा। साथ में ये एक जो है यहाँ पे सील लगा हुआ है, यानी जो ये नट होता है ये आपका अपने आप ढीला होकर नहीं गिरेगा, इसमें जो है जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तो ये नहीं खुलेगा। ये देख लीजिए, ये जो नट है बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा सील लगा हुआ है। तो एक तो हमें यहाँ पे ये मिला है, दूसरा हमको एलेंकी वाला एक स्क्रू मिला है, ये देख लीजिए, और तीसरा मुझे उसी टाइप का बोल्ट यहाँ पर मिला हुआ है, ये देख लीजिए, जो कि यहाँ पे ऊपर इसमें सील टाइप का लगा हुआ है ताकि ये अपने आप खुल के ना गिरे। कसने के बाद जब तक आप इसको स्पैनर की मदद से खोलेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल टाइट भी ऐसे नहीं होता है और ना खुलता है ऐसे। तो सिर्फ दो स्क्रू और नट मिले हैं यहाँ पे हमको। तो इतना ही था इस बॉक्स में कॉन्टेंट और जिसका प्राइस हमें इतना पे करना पड़ा। अगर दोस्तों इसके वेट की बात करूँ तो अप्रॉक्स बताया जो कि 3 kg 300 grams के अप्रॉक्स है, ये देख लीजिए। तो अगर इसको लगाने की बात करूं कि ये फ़िट कहाँ पे होगा, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से फ़िट होगा, यहाँ पे इस जगह से इस जगह पे कहीं पे फ़िट होगा, ये देख लीजिए, और अभी ये और कहीं पे अंदर जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ये शायद वो वाला है इधर का, कुछ इस तरीके से दोनों लगेंगे। और अभी देखता हूँ मैं किस तरीके से लगता है ये, हालांकि उधर का ही है, ये इधर का है और ये वाला इसके अंदर जाएगा, और ये इसके अंदर जाएगा, तो फिर ये दोनों जो हैं इस साइड में लग जाएंगे। तो दोस्तों बस यही था एक शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो अनबॉक्सिंग का आप सभी के लिए, जिसमें कि मैं आपको क्रैश गार्ड मैंने दिखाया अनबॉक्स करके, साथ ही में इसमें फ्रेम स्लाइडर भी लगे हुए हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा नया चैनल है और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ मैं। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर करिएगा, दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसको लाइक ज़रूर करिए ताकि नया चैनल है थोड़ा प्रोत्साहन मिले और मैं जो है और भी वीडियो बना सकूं। और दोस्तों अगर कोई MT से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं आप तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वही वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा। धन्यवाद।